नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे कुरकुरा चटपटा मिक्स नमकीन। ये नमकीन हम घर में बना के आसानी से खा सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन अपने पसंद का नमकीन बनाकर खा सकते हैं। तो आइए बनाते हैं कुरकुरा नमकीन। मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है और इसमें मैं बेसन डाल दूँगी। अगर ग्राम से देखेंगे तो 500 ग्राम बेसन है। सारे बेसन को मैं एक ही साथ डाल दूँगी। ये देखिए, यहाँ पर मैं 1/2 kg बेसन ले लिया और इसमें मैं डालूँगी स्वाद के अनुसार नमक। बेसन बहुत ज़्यादा नमक नहीं सोख करता है, तो आप इसमें थोड़ा ही नमक डालिए। 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच गोल मिर्च पाउडर, 1 हल्दी बिल्कुल 1 पिंच डालेंगे, थोड़ा सा। ये देखिए मैंने कितना सा हल्दी डाला है। बेसन हमारा ऐसे ही पीला होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है हमको। और थोड़ा सा डालूँगी इसमें खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, और इसको डाल करके पहले सूखा ही मिक्स कर लेंगे इस तरह से। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला लेंगे इस तरह से। अब इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। और इसको डाल करके इस तरह से मिला देंगे। इसको हमको हाथ से मिलाना पड़ेगा, ऐसे चम्मच से नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हाथ से इसको अच्छी तरह से तेल में मिक्स कर देंगे, ताकि हमारा सारा जो हल्दी नमक जो भी मसाले डाले हैं इसमें अच्छी तरह से मिल जाए। और थोड़ा थोड़ा पानी दे करके इसको इस तरह से एक डो बना के तैयार कर लेंगे। बेसन है तो थोड़ा डो बनाने में दिक्कत होगी। इसको इस तरह से हाथ के सहारे डो एक बना के तैयार कर लेना है। डो हमारा बिल्कुल सख्त नहीं होना चाहिए। जैसे आटे का डो बनाते हैं वैसा ही इसका भी डो बनाना पड़ेगा। इसको हाथ से ऐसे धीरे धीरे घून के इसका डो बना के तैयार कर लेंगे। बेसन है तो हाथ में चिपकता है, इसका डो बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। बिल्कुल ये हमारा डो देखिए इस तरह से बन के तैयार हो गया है। और हाथ में इसको लेने से ये इस तरह से दिख रहा है, क्योंकि इसको हमको मशीन में डालना है। मैंने यहाँ पर नमकीन बनाने वाली मशीन का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से दिखती है। तो मशीन को पहले ही मैंने तेल से ग्रीस कर लिया था, और हाथ में इस डो को इस तरह से करके मशीन के अंदर में डाल देंगे। इस आटे को डालने के पहले मशीन को तेल से पहले ग्रीस कर लीजिएगा, नहीं तो ये जाके अंदर एकदम से चिपक जाता है। और इसको धीरे धीरे इस तरह से ऊपर तक भर लेंगे। इसको अच्छी तरह से इसमें डाल के और बिल्कुल बराबर थोड़ा सा जगह इसमें छोड़ देंगे। इसको इस तरह से भर लिया बेसन को, और इसके मुंह को बंद कर देंगे। और बंद करके कढ़ाई में तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसको छान लेंगे। ये कोई भी छान सकता है, बहुत आसानी से बन के तैयार होता है। ये देखिए इसका सेव देखने में बिल्कुल एकदम से लाइट कलर का दिख रहा है। हल्दी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला था। हल्दी कभी भी नमकीन में ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो एकदम से लाल हो जाएगा वो। तो देखने में कितना बढ़िया लग रहा है ये। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। अब इसको पलट देंगे।
और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से सेक लेंगे इसको। नमकीन बनने में थोड़ा टाइम लगता है, फ्लेम को हाई रखेंगे। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल कुरकुरा सेव हमारा बन के तैयार हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे अब। ये देखिए कितना देखने में बढ़िया लग रहा है। इस तरह से घर में नमकीन बना करके आप 15 दिन के लिए आराम से डब्बे में भर के रख सकते हैं इसको। और दूसरा बैच भी मैं डाल देती हूँ इसी तरह से। इस नमकीन को बनाना बहुत आसान है, इसे कोई भी बना सकता है। और इसको भी पकने देंगे थोड़ा सा, गैस के फ्लेम को हाई रखेंगे। पकने में इसको 2.5 से 3 मिनट लग जाता है। और एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा इसको घुमा देंगे और इसको दूसरी तरफ से पलट देंगे। और इसी तरह करके सारे नमकीन को बना के रख लेंगे। इसको एक बार और देखती हूँ चला के। ये देखिए दूसरी तरफ से भी इसको पकाएंगे थोड़ा देर। और थोड़ा सा इसको पकने में टाइम लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा पहले वाले बैच से थोड़ा सा मोटा हो गया था, तो इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है पकने में। ये भी पक के तैयार हो गया है, 4 मिनट लगे हैं इसको पकाने में। और ये देखिए इसका तेल अच्छे से निकाल लिया है और कितना बढ़िया हमारा सेव बन के तैयार हो गया है। अब इसको एक पतीले में निकाल लेती हूँ और इसी में मैं डाल लूँगी मूँगफली। और मूँगफली को डाल करके भी भून लेंगे क्योंकि इसी सेव में हमको मूँगफली को भी डालना है। मूँगफली जब भूनता है तो पता चल जाता है इसका कलर चेंज हो जाएगा। और मूँगफली को भूनते समय फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो मूँगफली भी भून के हमारा तैयार हो गया। ये देखिए एक एक मूँगफली हमारी तेल में जाके फट गई है। तो मूँगफली अच्छे से भून के तैयार हो गया, इसको भी निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने मूँगफली को भी भून के तैयार कर लिया है। अब इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। अब इसी कढ़ाई में मैं पोहा को भून लूँगी। इसको चिवड़ा भी कहते हैं, बहुत लोग इसको पोहा कहते हैं। तो पोहा को भी मैं इसी तेल में भून लूँगी। ये बहुत जल्दी भून कर तैयार हो जाता है। इसको भूनने के लिए फ्लेम को हाई रखना पड़ेगा। तो देखिए पोहा भी हमारा यहाँ पर भून कर तैयार हो गया, इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से मेरा पोहा भी भून के तैयार हो गया है। सारे पोहे को मैंने इस तरह से निकाल लिया। ये देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इसको थोड़ी देर ऐसे ही रख देंगे क्योंकि इसका जो तेल है थोड़ा अच्छे से निकल जाएगा। और इसी तेल में मैं डाल दूंगी कड़ी पत्ता और डाल के इसी टाइम इसको भी भून लूँगी। कड़ी पत्ता को हमको एकदम से क्रिस्पी करना है। ये देखिए बहुत अच्छा ये भी भून के तैयार हुआ है, इसको भी निकाल लेंगे। देखने में कितना बढ़िया लग रहा है क्योंकि हमको इसको भी डालना है। देखने से इसका लुक बहुत अच्छा आता है जब नमकीन में पड़ता है तो। ये देखिए ये भी हमारा कड़ी पत्ता भून के तैयार हो गया। अब हम एक पतीले में जो सेव बना के रखे थे उसको तोड़ लेंगे इस तरह से। एक एक करके सारे सेव को एक बर्तन में तोड़ लेंगे और जो इसमें मैंने मूंगफली भून के रखा था वो डाल दूंगी मैं यहाँ पर। जो चिवड़ा मैंने भूज करके रखा था पोहा उसको भी डाल देंगे। पोहा को डालने के बाद
अब मैं इसमें जो कड़ी पत्ता भून करके रखा था इसको भी मैं इसी समय डाल दूंगी। ये देखिए इसको इस तरह से इसमें डाल देंगे। और अब मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी, तो मैंने यहाँ पर डाला है चाट मसाला, सेंधा नमक एक छोटा चम्मच। आप चाहे तो अपने पसंद के मसाले डाल सकते हैं, और थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर डाली हूँ। आप चाहे तो इसमें मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, और डाल करके इसको अच्छे से मिला लेंगे। हमारा ये नमकीन बच्चों को खाना है तो मैं इसमें मिर्च पाउडर नहीं डालूंगी, आप लोग चाहे तो इसमें डाल सकते हैं। और डाल करके इस तरह से अच्छे से एक चम्मच से या किसी भी चीज़ से आप मिला दीजिए, इसको हाथ से भी आप मिला सकते हैं। और ये देखिए मेरा नमकीन यहाँ पर बनके तैयार हो गया है, और ये देखने में इस तरह से लग रहा है। तो आप भी घर ही में नमकीन बनाइए इसी तरह से, क्योंकि बाज़ार का जो नमकीन होता है वो पुराने तेल में बना के वो लोग दे देता है, तो खाने में ठीक नहीं है। घर में थोड़ी सी मेहनत करके आप लोग बना लीजिए नमकीन, और महीने भर 15 दिन तक आराम से खा सकते हैं। मेरा ये रेसिपी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।